अरे दोस्तों, बात करते हैं आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तो इसमें आपके लगभग लगभग UPSC में जो भर्तियां अटकी हुई हैं, 51 जो अध्याचन है, लगभग लगभग आपके ज़्यादा ही पोस्ट हैं, मतलब अलग अलग विभागों लगभग लगभग 70 से ज़्यादा करीबन हैं। और इनमें से 51 विभागों के ऐसे पोस्ट हैं जो यहाँ पर वापस आपके अध्याचन वापस आ रहे हैं, और एकाध हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में आपके वापस आ जाएंगे। आप इसमें बहुत सारे पोस्ट हो सकती है, इसमें प्रवक्ता है, पॉलिटिकल प्रवक्ता है, या आपके SI वाली भर्ती है, प्रयोगशाला सहायक है, प्रयोगशाला सहायक तो ऑलरेडी आ चुकी है, या अन्य पदों की भर्तियां हैं। ये सभी भर्तियां वापस आपकी आ रही हैं धीरे धीरे करके। और इसमें आयोग ने क्या कहा है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दिव्यांग के लिए यहाँ मुझे पदों का जो है चिन्हक्रम पूरा, तो यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी का चिन्हक्रम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने विभिन्न महकमों में जो है दिव्यांगों के लिए यहाँ मुझे पदों के चिन्हक्रम का काम पूरा कर लिया है, और कार्य विभाग ने जो है इसका जो है जारी करने वाला है, और विभाग जो है सिफारिश को भेज देगा उसके बाद से। और शुक्रवार को यहाँ पर सचिव जो कार्मिक है शैलेश भगोली, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बताया गया कि दिव्यांग के चिन्हीकरण पर जो है मोहर लग चुकी है, और यहाँ पर जो है बताया गया बैठक में 51 विभागों में यहाँ पर जो है दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पर पदों पर जो निर्धारित किए गए हैं, और माना जा रहा है कि यहाँ पर एक हफ्ते के लिए के भीतर यहाँ पर जो है इनका जियो जारी हो जाएगा। तो एक हफ्ते का समय और लग सकता है। यहाँ पर 51 विभागों की पोस्ट हैं, जिनमें से बहुत सारी पोस्ट आपकी हो सकती हैं। अभी कंफर्म नहीं कौन कौन सी पोस्ट होंगी, लेकिन 51 विभागों की पोस्ट हैं। दरोगा हो सकता है इसमें, आपका प्रवक्ता भी हो सकता है शायद से, और अन्य पद हैं जैसे प्रयोगशाला सहायक है, या ये तो ऑलरेडी आ भी चुके हैं, कई और सारे पद हैं। टोटल 51 विभागों के पद हैं जो यहाँ पर आपके वापस एक हफ्ते में देखने को शायद मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नई भर्तियाँ जो है नोटिफिकेशन आपको UPSC के द्वारा देखने को मिल जाएगा।